हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्प्टी बाइक टाइजन। होप आप लोग मस्त होंगे। और थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि आज किस चीज का रिव्यू होने वाला है, जो कि मैं आज पहन के बैठा हूँ। और आपको अगर दिखाऊं मैं ये क्या है, टंटना, ये है राइनॉक्स का रेन जैकेट। सो इसके साथ में एक पाउच आता है इसको रखने के लिए। इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना है क्योंकि ये तो बस पाउच ही है बस। तो अभी मैं हूँ बैंगलोर में, ये है जुलाई का महीना और बैंगलोर में ना तबा के बारिश हो रहा है। तो उसके लिए ना मैंने ऑर्डर किया है ये राइनॉक्स का रेन जैकेट, जिसको आप देख सकते हैं मैं पहन के बैठा हूँ। कैसा लग रहा हूँ, एकदम चमक रहा हूँ ना, ब्राइट। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये रेन जैकेट, जिसको मैंने राइनॉक्स के वेबसाइट से खरीदा है और मुझे ये पड़ा है सम 999 रुपीज में। वैसे थोड़ा सा तो महंगा है, जैसा किसी ने खूब बोला है, क्वालिटी कम्स एट कॉस्ट, राइट। सो वैसे ज्यादा गर्मी नहीं है, मैं तो आपको बस दिखाने के लिए पहन के रखा हूं। इसको मैं अभी उतारता हूं और इसका रिव्यू करते हैं, ओके? तब तक ना आप इंट्रो देखो। तो आ गया है हमारे पास राइनॉक्स का रेन जैकेट, जिसके साथ ये एक पाउच मिलता है इसको स्टोर करने के लिए। तो आप आराम से ना इसको फोल्ड करके इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, पहली बात। दूसरी, ये जो है ना इतना हल्का है, ये एकदम मतलब ना के बराबर है। मतलब ये इतना हल्का है कि मतलब आपके बॉडी में कुछ लगता ही नहीं कि आप कुछ पहने हो, इतना हल्का है ये चीज। और ये है एम साइज में, और इसका बनावट ऐसा है कि इसको ना आप राइडिंग जैकेट के ऊपर पहन सकते हो। जैसे आप बाइक चलाते वक्त कुछ जैकेट पहन रहे हो, आपका जैकेट भी गीला नहीं होगा, क्योंकि ये एम साइज है। फिलहाल थोड़ा बड़ा है, जैसा मुझे लगा कि ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये ऐसा बनाया हुआ है ताकि आप राइडिंग जैकेट के ऊपर आराम से पहन सको, ताकि आपका राइडिंग जैकेट भी ना ड्राई रहे। इसके रेन जैकेट के साथ एक हुड आता है और इसको टाइट करने के लिए दो स्ट्रिंग भी आता है। वैसे इसका नाम है H2GO रेन जैकेट और ये दो कलर में आता है, एक होता है एक्वा ब्लू और ये है हाई वीज ग्रीन। तो ये बोलते हैं कि रिफ्लेक्टिव है, बट मुझे नहीं लगता कि रिफ्लेक्टिव है रात को जैसे रेडियम की तरह। हाउएवर अगर आपके ऊपर जब लाइट पड़ता है गाड़ी का, तो ये ना कुछ तरह से मतलब यू नो आपको अलग करता है क्राउड से, क्योंकि ये कलर ही ऐसा इतना ब्राइट। तो ये जो मटेरियल है ना, ये फुल्ली पॉलिस्टर में बना है और ट्रस्ट मी, इसमें थोड़ा सा भी ना पानी जाने के लिए कहीं पे जगह नहीं है। सो आई बिलीव ये ना बहुत ही ड्राई रखेगा आपको बारिश में। इसके साथ आप अगर देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लोगो है राइनॉक्स का, और पीछे भी आपको राइनॉक्स का पूरा बॉर्डर मिल जाता है जो कि रिफ्लेक्टिव है, ताकि आपको पीछे से जब लाइट पड़ेगा ना रात को, तो ये चमकने लगेगा, मतलब फुल ब्राइट। देन इसके हाथ में कुछ ऐसा ब्रांडिंग जैसा आता है, DWP डबल रिप स्टॉप WR पॉलिस्टर बोल के, मुझे लगता है ये मटेरियल का नाम है, तो पॉलिस्टर मटेरियल है। और बाय द वे यहाँ पे ना आपको पीछे वेंट्स मिल जाते हैं, ओके? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वेंट्स है जिससे आराम से ना एयर पास हो सकता है। तो इसका मतलब ये फुल्ली ब्रीदेबल है, अंदर आपको ना बिल्कुल भी स्वेट नहीं होगा। आपने देखा होगा जो लोकल वाला जैकेट रहता है रेन जैकेट, उसको आप पहनने के बाद जब आप उतारते हो ना उसको बाद में बारिश में भीगने के बाद, अंदर एकदम ना स्टिकी स्टिकी हो जाता है, तो वो ना स्वेट से होता है। और वो अगर होएगा ना तो मतलब उसके बाद ना एक स्मेल आता है, ये जो कपड़े का ना रेनकोट का ना एक स्मेल आता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं होएगा क्योंकि ये ब्रीदेबल है, इसमें आराम से एयर पास होएगा और आपको पूरा स्वेट फ्री रखेगा। नेक्स्ट आते हैं इसके जिप के ऊपर, जो ब्रांड बोलता है वो है YKK एक्वागार्ड जिप। इसका मतलब ये है पूरा 100% वाटरप्रूफ, जिसमें आपको थोड़ा सा भी पानी अंदर नहीं जाएगा, इट्स गुड ना। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ना एक्सट्रीमली लाइट वेट है, लाइक अराउंड 100 ग्राम कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, 200 ग्राम तक तो होएगा ही, क्योंकि इसके वेबसाइट पे जो लिखा था ना ये 200 ग्राम बोल के लिखा हुआ था। तो वैसे मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना जोर से बारिश जो हो रहा है ना, मुझे लगा कि नहीं एक रेन जैकेट ऑर्डर करना चाहिए। तो मैं डेकैथलॉन में जाके भी चेक किया, वहां पे मेरे को सम अराउंड 2000 दिखा रहा था जैकेट्स, ऐसा ही था बट कुछ अलग कलर में था, बट 2000 के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना। तो मुझे ना ये राइनॉक्स वेबसाइट में ही मिल गया, जो कि 999 में हो गया।
और वैसे तो मेरे पास ग्लव्स हैं राइनॉक्स का, उसके साथ ये रेन जैकेट भी आ गया, और लगता है मैं थोड़ा थोड़ा फैन हो रहा हूँ राइनॉक्स का। और क्या बताऊँ इसमें और क्या है, हाँ आपको नीचे भी यहाँ पे स्ट्रिंग मिल जाता है इसको ना टाइट करने के लिए, अगर आप देखोगे ये वाला। और हाँ आपको ना राइनॉक्स से जब आप परचेज करते हो ये, आपको 6 months का ना वारंटी मिलता है इसके ऊपर, तो फ्रॉम द परचेज डेट। तो इसलिए अगर ये कुछ फटता है या कुछ भी होता है ना, देन राइनॉक्स आपको ना फ्री रिप्लेसमेंट देगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने कन्फर्म नहीं किया, बस आपको बता रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि ये चीज़ ना फटेगा कहीं से, बिकॉज इट्स नॉट लोकल, और ब्रांड वाले चीज़ें पे थोड़ा तो भरोसा आता है, और वो भी राइनॉक्स वाला ब्रांड, तो ऑफकोर्स यू नो ट्रस्टवर्थी। पाउच किधर गया, नीचे गिर गया है। हाँ तो ये जो पाउच है आप देख सकते हो, कितना छोटा सा पाउच है, इसको हम ना आराम से पैक करके इसके अंदर घुसा सकते हैं, सो ये आराम से फिट हो जाएगा, और आपको ना एक्स्ट्रा कवर कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप सोचोगे कैसे मैं रेनकोट रखूँ किधर रखूँ, तो वो ना आराम से ये फोल्ड हो जाता है और इसके अंदर वो फिट हो जाता है, और ये एम साइज का है, जैसे आप देख सकते हो ये कवर के ऊपर लिखा हुआ है एम साइज। और क्या बताऊँ इसके बारे में, बस क्वालिटी बढ़िया है, और मेरे को ना इसको ना ऐसा लग रहा है कि ना मैं इसको पहन के सो जाऊँ। थंबनेल में तो आपने देखा होगा इतना ब्राइट फोटो आया है इसके साथ। एक चीज़ मैं नोटिस किया कि इसमें ना कोई पॉकेट्स नहीं है, मतलब पॉकेट्स या कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं है जिसके अंदर आप मोबाइल डाल सको, बट कोई नहीं, हमारा मोबाइल तो अंदर ही रहेगा ना, तो इसके ऊपर ट्रेन जैकेट रहेगा, भीगने का कोई चांस ही नहीं है। और मेरे को ना एक ही शिकायत है अपने राइनॉक्स से, क्या है ना राइनॉक्स जैकेट बनाता है बट बॉटम्स नहीं बनाता, मतलब ये अपर वाला है बॉटम्स नहीं है, मतलब ऊपर सूखा नीचे गीला। मुझे ना इस रेन जैकेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैकेट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको ना मैं फोल्ड करके इसके अंदर डालता हूँ, आप देखो कितना आराम से ये अंदर पैक हो जाता है। ओके तो इसको ना मैंने फोल्ड कर लिया है, और ये ना हम पाउच में इसको डालेंगे, और ये कितना अच्छे से पाउच में जाता है देखिए। सी कितना अच्छे से ये पैक हो गया इसके अंदर, हाउ कूल ना। वेल यही था राइनॉक्स का रेन जैकेट का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बांटते रहिए, मजा आता है। तो या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड अंटिल देन राइड सेफ एंड हैव फन। ओम साई राम। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।